मोहब्बत और ताजीम की हर शय जरूरी नहीं कि किताबों में लिखी हुई मौजूद हो या वो सहाबा ने किया हो तो ही करेंगे, ये नहीं होता। मोहब्बत और ताजीम वो शय है कि जमाने के एतबार से जो चीज अदब ताजीम और मोहब्बत में आती है आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए उसी का करना जायज है। मिलाद मनाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की नाते पढ़ते हैं, आपके नाम पे अंगूठे चूमते हैं, ये तो रिवायत में भी है, लेकिन रिवायत में नाम ही होता तब भी जब ताजीम के तौर पे किया जाता है इसको मना नहीं किया जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताजीम का हर वो मामला, हर वो मामला, हर वो तरीका जो शरीयत के किसी हुक्म से टकराता ना हो वो ताजीम का तरीका जायज है, मुस्तहब है, पसंदीदा है, शरीयत की निगाह के अंदर बहुत खूबसूरत है। और कभी किसी ऐसे तरीके से मना ना करें कि जो काम आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और ताजीम में किया जा रहा है, जैसे ही बारहवीं शरीफ का महीना आता है, रबीउल अव्वल का महीना आता है, तो घरों पे चिरागा किया जाता है, रोशनी की जाती है, लाइटिंग की जाती है, तो इस पे ये नहीं होना चाहिए कि जनाब ये कहां से साबित है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हो रहा है, ये सरकार की ताजीम में हो रहा है, इसके लिए कोई लिखा हुआ नहीं चाहिए कि फलां जगह लिखा हुआ तो करना है, ये तो मोहब्बत और ताजीम के काम है, वो तो जिसके दिल में जैसी होगी वो करेगा। सहाबाई किराम को ये चीजें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कोई लिखकर या उनको जबान से नहीं बताई थी कि मेरे वजू के पानी को तुमने नीचे नहीं गिरने देना, वो अपनी ताजीम और मोहब्बत की वजह से करते थे। इसी तरह उंगलियों के साथ नाखूनों से दरवाजा खटखटाना, ये किसी आयत में नहीं लिखा था, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया था यूं करो, ये उनकी ताजीम करवाती थी और सरकार अलैहिस्सलाम उसको वेरीफाई कर देते थे कि ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम ताजीम और मोहब्बत से किया जा रहा है तो उसमें यह नहीं देखा जाता कि पहले करते थे या नहीं करते थे, सिर्फ यह देखा जाएगा कि शरीयत के खिलाफ तो नहीं। कोई मौसीकी के जरिए करता है तो यह मना है, कोई नाच गाने के जरिए करता है तो मना है, या कि और खारजी रुकावट है तो मना है, लेकिन जो सूरत ताजीम और मोहब्बत की शरीयत से नहीं टकराती वो 100% नहीं 1100% वो जायज है, दुरुस्त है और मुस्तहब है।